नैनीताल जिले के हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश द्वारा विधायक निधि से बनाए जाने वाली सड़क पर नगर निगम ने रोक लगा दी है, जिसके तहत खुद हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश दमूबा ढूंगा के वार्ड क्रमांक 37 पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान विधायक सुमित हृदयेश को मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि निगम ने सड़क निर्माण पर इसलिए रोक लगा दी है क्योंकि इस सड़क को सिंचाई विभाग द्वारा बनवाया जा रहा है और ऐसे में नगर निगम ने NOC नहीं दी है, जिसके चलते सड़क नहीं बन पा रही है। जिस पर विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम अब गंदी राजनीति पर उतर आई है, यह सड़क आम जन के लिए है और ऐसे में निर्माण कार्य रोकना गलत है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शादी में अब्दुल्ला दीवानी, विधायक निधि की स्वीकृत एक सड़क जबरदस्ती राजनीति की भेंट चढ़ाने का नगर निगम के द्वारा प्रयास करें। एक स्तर की राजनीति हमने इस हल्द्वानी शहर में देखी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा विकास करा गया। कहाँ गली बन रही है, किसकी गली बन रही है, कौन वहाँ पे वोटर है कौन नहीं है, कभी ये बिना सोच के हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती मैंने यहाँ इरिगेशन को पैसा दिया, एक सड़क का 9 लाख रुपए, एक सड़क का 6 लाख रुपए, और आप हालत देख रहे हैं, सड़क बहुत, और ये वार्ड जो 37 है इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और यह समस्या बहुत है, अनेक है। 30 बिजली के पोल भी मैंने विधायक निधि से दिए यहाँ पे, सड़कों के लिए भी 25 लाख रुपए के आसपास मैंने यहाँ पे स्वीकृति करवाई, और ज़बरदस्ती यहाँ पे ये बोल के कि मुख्यमंत्री जी की कोई घोषणा है, PWD 2 लाख रुपए की सड़क बता रही है जबकि लागत 16 लाख की। यहाँ पे इन लोगों की मांग ये है कि CC रोड यहाँ पड़े, PWD CC रोड नहीं बनाता है।